एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट। और इनका हेयर कट जब शॉर्ट हो गया था, इन्होंने कम से कम 10 से 12 इंच तक लेंथ अपनी निकलवाई थी। उसके बाद से इनका जो भी हेयर कट आया था बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इन्होंने अपने हाथों से अपने बालों को कॉम किया, वो भी मैंने दिखाया हुआ है। और फ्रंट से जो बैंक्स कट किया था उसका भी लुक बहुत ही परफेक्ट आया था। तो आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें इनका फाइनल लुक देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे और हेयर कट अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, मेरा इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। अक्सर मतलब सभी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम आपकी इंस्टा आईडी क्या है। तो इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। उस पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी रील्स वीडियोज एंड फोटोज वगैरह देखने के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे है, क्या है, सब कुछ आप लोग देख लीजिए। कितना कट हुआ है, क्या लुक आया है और लुक कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेंथ, इतनी इन्होंने कट कराई है। कम से कम 12 से 13 इंच तक की लेंथ है और इनका हेयर कट करना है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनको मैंने सबसे पहले कटिंग शीट लगा दी है और बालों को गीला करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग शीट मैंने लगा दी है, अभी मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से कट करूँगी और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। पहले मैं स्ट्रेट कट करूँगी, उसके बाद से मेरे को जो भी कट करना है वो कट करूँगी और फिर बैंक से हेयर कट करूँगी। तो आप देखते रहिए वीडियो एंड तक ज़रूर। तो पहले मैं अच्छे से इनके बालों को सुलझाऊंगी। जब तक बाल अच्छे से सुलझ ना जाए, सारे टैंगल रिमूव ना हो जाए, तब तक आपको कट नहीं करना है। तो इन्होंने बोला कि शॉर्ट कर दीजिए। तो चलिए पहले मैं अच्छे से सुलझा लेती हूँ और फिर कटिंग स्टार्ट करती हूँ। आप देखिए ज़रूर कि कटिंग कैसे कर रही हूँ और क्या लुक आया है और फ्रंट बैंक्स कट कैसा था। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखते रहिए वीडियो और इजी तरीके में बताने की कोशिश करती हूँ अपने चैनल पे पूरे। तो सबसे पहले मैं इनके बीच की मांग निकाल लूँगी, मिडिल पार्टिंग कर लूँगी बालों की। ओके, मिडिल पार्टिंग करने के बाद से जो हम जितना मेरे को लेंथ कट करना है वो कट करूँगी मैं। पहले जितना आपको परफेक्ट लेंथ चाहिए उससे थोड़ा सा 1 या 2 इंच नीचे ही कट करना चाहिए, क्योंकि जब आप फिनिशिंग देते हो तो वो एक इंच तक हेयर दोबारा से कट हो ही जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इनका मतलब पूरा कॉम करके अच्छे से बालों को पूरा सुलझा लिया है। उसके बाद से मैं अपने फिंगर में इस तरीके से हेयर को लूँगी और जितना कट करना है उतना मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इससे भी थोड़े से शॉर्ट करने हैं तो वो मैं फिनिशिंग देते देते कर दूँगी। तो यहाँ से इस तरीके से कट कर लूँगी हेयर को इनके। बालों की वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थी और बालों की क्वालिटी भी इनके काफ़ी अच्छी थी। तो ये कट हो चुके हैं हेयर। और इतना लेंथ निकल गया है। उसके बाद से मैं इसको अच्छे से कॉम करूँगी और इनका जो शोल्डर है वहाँ से कट स्टार्ट करेंगे। तो पूरा अच्छे से बालों को मैं कॉम करके फैला ले रही हूँ और ये जो शोल्डर है वहाँ से हम लोग इस तरीके से कटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस साइड का आप देख सकते हो परफेक्ट राउंड में आ गया है। अब दूसरी साइड से भी फिर शोल्डर के पास से ही हेयर कट स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया था। तो एंड तक देखते रहिए पूरा फाइनल लुक देखने के लिए। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से कट करेंगे। पूरा राउंड में आप देख सकते हो फिर से लेंथ इनकी 1 इंच छोटी हो रही है यहाँ पे। और बार बार आप चेक करो, चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत शिकायत ना आए बाद में
कि पूरा अच्छे से कट नहीं होता, इसलिए बार बार मैं कॉम करके और जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको थोड़ा थोड़ा कट करते जा रही हूँ। ओके फिर से मैं कॉम करूँगी और फिर से चेक करूँगी एक बार, तो लगभग हमारा फाइनल आ ही गया, लेकिन इधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको कट करेंगे, और फिर उस साइड से थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लग रहा है तो यहाँ से भी इस तरीके से नीचे से कट करूँगी तो अच्छे से आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ से फिर से मैं कट कर रही हूँ ताकि पूरा राउंड अच्छे से आ जाए। ओके तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कट आ रहा है इनका। ऐसे ये क्लचर लगाएंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। फिर से मैं एक बार चेक कर रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट करूँगी, और बाल कट करवाने से बहुत हेल्दी दिखते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, क्वालिटी भी अच्छी दिखती है, तो बालों को हमेशा ट्रिम वगैरह तो कराते ही रहना चाहिए, और आप चाहो तो कट भी करा सकते हो। कट कराने से लुक भी बहुत स्टाइलिश लगता है, अच्छा लगता है, तो हेयर को टाइम टाइम पे कट कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने इस तरीके से कट करते गई, ज़्यादा डीप तो नहीं हुआ है क्योंकि हेयर काफ़ी शॉर्ट थे और शोल्डर से लाइट यू में हेयर कट हुआ, लेकिन बहुत ही प्यारा लगेगा, और फ्रंट से कैसा आएगा वो भी देख लीजिएगा। ऐसे क्लचर लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, और पोनी भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, और मैं बाद में कटिंग सीट उतार के, मतलब बोलते हैं कि मैम बैक से लुक दिखाइए, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो हेयर कट परफेक्ट आ चुका है, मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया है, तो अभी चलते हैं फ्रंट बैंग से हेयर कट करने। तो बैंग्स कैसे कर रही हूँ वो भी आप देख लीजिए, तो हेयर कट हमारा परफेक्ट है, इतना मतलब हिलाने के, देखिए नीचे उतना लेंथ कट करने के बाद से इतने हेयर दोबारा से कट हो चुके हैं इनके बालों के। तो अभी चलते हैं फ्रंट बैंग से हेयर कट करना है, फिर से मैं चेक कर रही हूँ बालों को, हिला डुला के पूरा अच्छे से देख लेना जो कटिंग चाहिए वो है कि नहीं। तो अभी पूरा अच्छे से कटिंग आ चुकी है इनकी, और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रंट का हेयर कट करते हैं और फिर आप लोग को फाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से घुमा दिया इनको, तो पहले मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग ली थी, बट फिर मैं दूसरे स्टाइल से बैंग से हेयर कट करूँगी क्योंकि काफ़ी शॉर्ट हो चुके हैं फ्रंट के, तो और शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपके फेस पे लेयर्स आते हैं उसको शॉर्ट करना है, थोड़ा सा लुक चेंज करना है फेस का, तो उसके लिए यहाँ से मैं इस तरीके से हेयर लूँगी, ये देख सकते हो वी शेप में, इधर से जैसे लिया है आपने वैसे ही सेम दूसरी साइड से भी ले लेंगे, और कैसे पकड़ा है हेयर वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे मैंने हेयर लिया है, और यहाँ से देखिए और ऐसे कट करना है, तो नूज के पास से मैं इनका कट करूँगी हेयर, यहाँ से तो इतनी लेंथ दोबारा निकली है, ये भी मैं उसी हेयर में रख दूँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है बैंग्स का, वाह आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा गाइस, कटिंग इनकी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें सपोर्ट करें गाइस, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे तो अच्छी लगी आप लोग बताइएगा। और इनका बैक से लुक देख लीजिए आप, तो इस तरीके से इन्होंने क्लचर लगाया था और काफ़ी अच्छा राउंड में इनका हेयर कट हो चुका था। आई होप आप लोग को इनका हेयर कट अच्छा लगा हो, और कैसी लगी इनकी हेयर कट होने के बाद से इनका हेयर, और बैंग कट कैसा लगा सब कुछ बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और ब्लॉग चैनल को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, लव यू ऑल।